नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 16 सोमवार का पूजन की तैयारी हम कैसे करें। सोमवार व्रत रहना है सावन में या फिर 16 सोमवार रहना है, चलिए हम तैयारी देख लेते हैं। जैसा कि सावन में सभी महिलाएं, पुरुष और कन्याएं शिव भगवान का व्रत रखती हैं, चाहे आप सावन के सोमवार का व्रत रखें या फिर 16 सोमवार का व्रत रखें, पूजन विधि इसी प्रकार से की जाती है। आप शिव परिवार का पूजन करें या फिर शिवलिंग पर अभिषेक करके पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने पूजन के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली है। आप एक दिन पहले ये सारी चीजें कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी। तो हमने शिव भगवान की प्रतिमा रखी है जिसमें शिव परिवार है, और शिव भगवान को चढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। यदि आप शिव पूजन करने जा रहे हैं, जैसा कि शिव भगवान बहुत ही भोले भंडारी हैं, थोड़ी सी चीजों में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप शिव को दो चीजों से भी मना सकते हैं, जैसा कि गंगा जल और बेलपत्र और कच्चे दूध से भी आप शिव का पूजन कर सकते हैं। ऐसे में भी आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है बेलपत्र, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये फूल है। थोड़ा सा मौसम गर्मियों का है तो हमने गीले कपड़े में करके फूल रखा हुआ है। सफेद पुष्प शिव भगवान को बहुत ही प्रिय होता है और अर्पित भी किया जाता है, और शिव की पसंद की यहाँ पे मैंने ये आप देख सकते हैं समी की पत्तियां हैं, और बेलपत्री भी है ये इस तरीके से। इसी तरीके से जो बेलपत्ती होती है उसे शिव भगवान पर अर्पित करना होता है। तो ये शिव भगवान को आप बेलपत्री अर्पित करें, और गणपति जी के लिए हमने यहाँ पे दूर्वा घास ली है। इस तरह से सभी की पसंद का ख्याल रखते हुए पूजन विधि हम शुरू करते हैं। और आप मौसमी फल ले लीजिए, जो भी आपके पास मौसम के अनुसार फल हो आप उन्हें रख सकते हैं। और पूजन करने से पहले आपको एक दीपक जलाना होगा, तो जो हमने यहाँ पे कलश दीप हम तैयार करेंगे इस पूजा में। और माता पार्वती के लिए सावन का महीना चल रहा है, तो माता पार्वती को हरे रंग की चूड़ियाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने यहाँ पे माता पार्वती के लिए हरे रंग की चूड़ियाँ और कुछ श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, जिसमें आप ये सब देख सकते हैं, बिंदी वगैरह है, आलता है। और सावन के महीने में जैसे महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, तो माता पार्वती को भी मेहंदी अर्पित करना चाहिए। काजल, बिंदी, श्रृंगार की सामग्री आपको देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। और शिव भोले के लिए, जैसा कि शिव भोले भंडारी हैं, उन्हें श्रृंगार की चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, तो आप उनके लिए भस्म ले लीजिए और इत्र। सुगंध बहुत ही प्रिय है तो आप इत्र ले लीजिए। शिव जी के लिए जनेऊ, और गणपति जी के लिए भी हमने यहाँ पे जनेऊ लिया है। और कपूर से आरती करेंगे, शिव भगवान को कपूर की आरती बहुत ही प्रिय होती है। और इस तरह से चंदन आप ले लें, सफेद चंदन हो तो ज्यादा उत्तम होता है। और ये भी चंदन हमने यहाँ पे लिया है शिव भगवान को अर्पित करने के लिए। और मंत्रों को जप करने के लिए, शिव के मंत्रों का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पे रुद्राक्ष का माला लिया है, इससे आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और भी सारी चीजें हैं, जैसा कि ये अक्षत मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान रखें, अक्षत हमेशा अखंडित होना चाहिए, और सफेद रंग के अक्षत भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। और माता पार्वती के लिए श्रृंगार के साथ सिंदूर अर्पित करेंगे। और भोग में आप दूध से बनी मिठाइयां ले सकते हैं, हमने अभी यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल किया है, और पंचमेवा का हम भोग लगाएंगे। तो वैसे आप भगवान शिव को यदि आप अभिषेक कर रहे हैं, यानी कि आप शिवलिंग की पूजा यदि आप करते हैं इनके साथ में, तो उसके लिए आपको कच्चा दूध, गंगा जल और थोड़ा सा इसमें आप शक्कर मिला लें, उसी से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद जल से अभिषेक यानी स्नान कराने के बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछ कर आप उनका पूजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद आप शिव चालीसा पढ़ें, या फिर शिव के पीछे ये देख सकते हैं शिव पंचाक्षर स्त्रोतम है, इसे भी पढ़ना चाहिए। और रुद्राष्टकम है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप व्रत रह रहे हैं तो आपको सोमवार व्रत
कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों सोमवार की व्रत कथा हमने आपको वीडियो दी है, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो यह सोमवार व्रत की कथा है, उसे पढ़ें। मामी शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्य रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरल मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसद भालु भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांडरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजन भानु कोटि प्रकाशम त्रयम शील निर्मूल शूलम पाणी भजेहम भवानी प्रतिभाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजंती लोके परेवानराणम न तावत् सुखम शांति शांतापनासम प्रसीदा प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नयो पूजा न तोहम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम। दोस्तों इस तरह से रुद्राष्टकम का आप पाठ करें या फिर उनकी महिमा का बखान करना आवश्यक होता है। दोस्तों यदि आपके पास शिवलिंग है तब पर भी आप उसे इस तरह से एक पात्र में रख कर शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित करें। उसके बाद उसके ऊपर एक बेलपत्री रख कर आप पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद कच्चे दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से और घी से, यानी पांच चीजों से स्नान कराने के बाद, एक चीज स्नान कराने के बाद आपको जल अवश्य अर्पित करना है। और करने के बाद सारी चीजें स्वच्छ करके आप शुद्ध जल से स्नान कराएं और शिव भोले को जनेऊ अर्पित करें और इत्र लगा के और सफेद चंदन के बाद आप पुष्प चढ़ाएं और इसी तरीके से पूजन कर सकते हैं। यदि आप शिवलिंग का पूजन करना चाहें तो वह भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों यह थी हमारी सोमवार व्रत की पूजा की तैयारी। यदि आप 16 सोमवार रहते हैं तब पर भी आपको ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए, या फिर सामान्य के सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी तैयारी। यदि हमारी तैयारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विधिवत पूजा करके बताएंगे कि शिव भोले का पूजा कैसे हम कर